बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा आठवीं गणित में समीकरण पढ़ेंगे, इक्वेशन पढ़ेंगे। 3x + 9 = 12, इस तरह के समीकरण को आपने हल कर लिया बच्चों। 3x + 5 = 8, 5x + 9 = 2, 1x + 12 और 6x + 18 = इस प्रकार के समीकरण को आपने पिछली कक्षाओं में हल कर लिया है। हल करके आपने देखा है, आपने जाना और समझा भी है। और हमने ये भी जाना था बच्चों कि किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने, किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने या घटाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या गुणा या भाग कर दें तो भी समीकरण के हल में कोई अंतर नहीं आता। बच्चों यहाँ हम देखेंगे, इस अध्याय में हम देखेंगे बच्चों ax + b / cx + d = k, इस प्रकार के प्रश्नों को हल हम देखेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को हम समझेंगे, इस प्रकार के समीकरण को हम हल करके देखेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न पहला। और प्रश्न पहला है समीकरण 2x + 5/3x + 1 = 3/11 को हल कीजिए। इसको हल करना है बच्चों, तो चलिए चलते हैं हल करते हैं इसको। सबसे पहले दिया गया समीकरण है बच्चों 2x + 5/3x + 1 = 3/11। अब सबसे पहला काम हमको तिर्यक गुणा करना है। कौन सा गुणा करना है बच्चों? तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करते समय इस तरह से क्रॉस में गुणा करते हैं, 11 का गुणा ये दोनों से हो जाएगा, 3 का गुणा इन दोनों से हो जाएगा। तो 3 का गुणा 11 का गुणा, तो सबसे पहले हम 11 का गुणा लिख लेते हैं। 11 का गुणा हो जाएगा 2x + 5 से बच्चों, और 3 का गुणा हो जाएगा 3x + 1 से। 11 दूनी होता है 22x, 11 × 5 = 54 हो जाएगा 3 × 9x और 3 × 3। पक्षांतर कर देंगे बच्चों सजाती पदों को एक तरफ और विजाती पदों को दूसरी तरफ। तो 22x है, 9x है, सजाती है, तो हम 9x को अपने तरफ पक्षांतर कर लेते हैं और 55 विजाती है उसको दूसरे साइड पक्षांतर कर देते हैं। इस तरह से 22 में 9 घटाएंगे बच्चों, कितना बचेगा? 13x बचेगा बराबर 55 में अगर हम 3 माइनस कर दें तो हमको मिलेगा -52। कितना मिलेगा? -52। एक से बराबर हो जाएगा -52/13। 13 × 13 = 52। कितना आ गया भाई? -4। तो एक से मान हमको प्राप्त हो गया -4 और ये आंसर हो गया। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। समीकरण x + 0.5/0.3x = 20 को हल कीजिए। तो बच्चों चलिए इसको हल करते हैं। दिया गया समीकरण है x + 0.5/0.3x = 20। 20 है, कुछ भी नहीं है, तो 20/1 आप मान लीजिए ताकि तिर्यक गुणा करते समय आपको सुविधा हो। तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा करेंगे बच्चों तो 1 का गुणा इससे हो जाएगा, 20 का गुणा इनसे हो जाएगा, अर्थात 1 का गुणा करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। 20 का गुणा करेंगे 20 × 60 अर्थात 6.0x हो जाएगा। 20 × 60 होता है 6.0x। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों 0.5 x को एक तरफ हम पक्षांतर कर देंगे, बच गया 0.5। 6.0x - x, 6x में 1x घटाएंगे बच्चों, कितना बच जाएगा? 5x बचेगा। कितना बचेगा? 5x। x बराबर हो जाएगा 0.5/5, क्योंकि यहाँ गुणा है बच्चों, पक्षांतर करने से भाग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? दशमलव को हटा देंगे। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव बाद एक संख्या है, इसलिए नीचे में हो जाएगा 10 का गुणा। 5 कट गया बच्चों, बचा 1/10। अब 1 को 10 से भाग करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 10 × 10 अर्थात 0.1, और यही मान x का होगा और x का आंसर होगा। तो इस तरह से हमने समीकरण को भी हल कर लिया है। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। पहला है 4x + 18/5x = 2, दूसरा 5x + 2/2x + 3 = 7/5, तीसरा प्रश्न है 7m + 6/4m + 2 = 2, और चौथा प्रश्न है बच्चों 1/3/1/2 = 3/7। इससे पहले हम केवल समीकरण को हल कर रहे थे, यहाँ हमको उत्तर की जांच भी करनी है। तो चलिए देखते हैं बच्चों पहला प्रश्न है 4x + 18/5x = 2। तो 2 है, 2/1 लिख लेंगे। अब यहाँ हम सबसे पहले काम करेंगे तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा करेंगे बच्चों, तो 2 का गुणा इससे हो जाएगा, 1 का गुणा 4x + 18 से हो जाएगा, 5 दूनी होता है 10x = 1 का गुणा करने से कोई अंतर
नहीं आएगा बच्चों, x को अपने तरफ पक्षांतर कर लीजिए, 10 x से ऋण हो जाएगा 4 x बराबर 18, 10 में 4 x घटा दीजिए, 10 में 4 घटाने से 6 x बचेगा, 6 x बराबर हो जाएगा 18, x बराबर 18 बटे 6 भाग दे देंगे 6 × 18, x का मान कितना आ गया बच्चों 3, x बराबर हमको मिल गया 3। अब हमको करना है जांच, क्या करना है उत्तर की जांच, क्या हमारा उत्तर सही है। तब हम क्या करेंगे, जो प्रश्न दिया हुआ है 4 × 18 / 5 × 2 के बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष मतलब बराबर से पहले, बराबर से पहले बाएं पक्ष, बराबर के बाद दाएं पक्ष होता है, तो बाएं पक्ष में x का मान रखने पर, जो x का मान आपने निकाला है इसको यहाँ पर रख देंगे, x का मान रखने पर, जब हम x का मान रखेंगे बच्चों तो x का मान हमको कितना रखना है, यहाँ पर 3 रखना है, 4 × 3 / 18 / 5 × 3, 4 + 3 कितना होता है 12 होता है, 12 × 18 / 5 होगा 15, 12 और 18 को जोड़िए बच्चों, 12 और 18 होता है 30 / 15, 15 × 15 = 30 कितना आ गया बच्चों 2, जो हमारे उत्तर का दाया पक्ष है, जो 2 प्राप्त हुआ हमारे उत्तर का दाया पक्ष है, देखिए आप प्रश्न का दाया पक्ष है और यही दाया पक्ष हमको प्राप्त हो गया और प्राप्त करना था, अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्तर की जांच सही है। चलिए बच्चों चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर, 5 × 2 / 2 × 3 = 7/5 ये दिया हुआ है हमारा दूसरा प्रश्न है। यहाँ हम फिर तिरिया गुणा करेंगे बच्चों, तिरिया गुणा करने पर, तिरिया गुणा करने का 5 का गुणा ये दोनों से हो जाएगा और 7 ऐसे हो जाएगा, तो 5 का गुणा हो जाएगा 5 × 2 से बच्चों, और 7 का गुणा हो जाएगा 2 × 3 से, 5 × 5 = 25 होता है, 5 × 10 = 7 × 14 और 7 × 21, सजातीय पदों को एक तरफ कर लीजिए, x वाला पद ले आइए, 14x में पक्षांतर हो जाएगा, इसी प्रकार 10 को हम दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे बच्चों, धन है ऋण हो जाएगा, 25 में 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 11x, कितना बचेगा 11, 21 में 10 घटाइए 11 बचेगा और पक्षांतर कर देंगे तो ये गुणा में ही धर जाकर भाग हो जाएगा, अर्थात 11/11 कट गया, कितना प्राप्त हो गया 1, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर 1 आ गया। अब हमको करना है उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करना है बच्चों, तो उत्तर की जांच कैसे करते हैं, इससे पहले वाले प्रश्न में आपने देखा कि जो प्रश्न है 5 × 2 / 2 × 3 = 7/5 के बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष बराबर से पहले वाला पक्ष, बाएं पक्ष में x का मान रखने पर, हम बाएं पक्ष में x का मान रख देंगे, तो बाएं पक्ष ये है बच्चों और इसमें x, ये बाएं पक्ष है, इसमें x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 × x का मान कितना निकाले हैं आप 1 निकाले हैं, 5 × 1 / 2 / 2 × 1 / 3, 5 × 5 / 2 / 2 × 2 / 3, 5 × 2 कितना होगा बच्चों 7 होगा, 3 × 2 कितना होगा 5 होगा, और ये हमारे प्रश्न के दाएं पक्ष में दिया हुआ था, तो इस तरह से हम उत्तर की जांच कर लिया है, हमको दाएं पक्ष मिल गया और उत्तर की जांच सही है। आखिर में आपको लिखना है बच्चों, अतः उत्तर की जांच सही है। चलिए बच्चों देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न, 7 × 6 / 4 × 2 = 2/1 ये हमारा तीसरा प्रश्न है, इसका तिरिया गुणा करने पर, सबसे पहला काम हमको करना है बच्चों तिरिया गुणा कर दीजिए, तिरिया गुणा में 1 का गुणा हो जाएगा 7 × 6 से और 2 का गुणा हो जाएगा 4 × 2 से, 2 का गुणा हो जाएगा 4 × 2 से और 1 का गुणा हो जाएगा बच्चों 7 × 6 से, 2 × 4 = 8 होगा, 2 × 2 = 4 1 का गुणा करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, 8m और 7m पक्षांतर कर देंगे हम, 7m को बराबर 4 को दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 6 × 4, 8m में 7m घटाइए बच्चों केवल m बचेगा और 6 में 4 घटाइए केवल 2 बचेगा, तो इस तरह से हमने m का मान ज्ञात कर लिया और m का मान कितना आया 2। अब हम चलते हैं उत्तर की जांच की ओर, जांच करने के लिए हमको प्रश्न लिखना पड़ेगा 7 × 6 / 4 × 2 = 2/1 या 2 के बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में एक सका मान रखेंगे, किसका मान रखने पर बच्चों एक सका मान रखने पर, एक सका मान यहाँ, सॉरी एम का मान, यहाँ पर एम है प्रश्न में, एम दिया हुआ है तो आपको एम का मान रखना है,
तो सात गुणित एम का मान कितना है बच्चों, दो है, तो सात गुणित दो धन छः बटे चार गुणित दो धन दो, सात दूनी चौदह धन छः बटे चार दूनी आठ धन दो, चौदह में छः जोड़ दीजिए बच्चों, चौदह और छः हो जाएगा बीस, आठ और दो हो जाएगा दस, इसे आप काट दीजिए और इस तरह से विभाजित हो जाएगा, दस दूनी बीस, दो प्राप्त हो गया जो हमारे प्रश्न के दाएं ओर दिया हुआ है, बराबर हमको दाएं पक्ष मिल गया, अतः उत्तर की जांच सही है। इस तरह से हमने उत्तर की जांच भी कर लिया। चलिए बच्चों चलते हैं इसके चौथे प्रश्न की ओर। एक ऋण तीन बटे एक से धन दो बराबर ऋण तीन बटे सात, ये हमारा चौथा प्रश्न है। तिरिया गुणा करने पर, तिरिया गुणा करने पर, तिरिया गुणा करेंगे तो सात का गुणा हो जाएगा एक से ऋण तीन से, और ऋण तीन का गुणा हो जाएगा एक से धन दो से, सात एकम सात एक से, सात या इक्कीस बराबर तीन एकम तीन, ऋण तीन एक हो जाएगा और तीन दूनी हो जाएगा छः, सात एक से ऋण तीन को अपनी तरफ पक्षांतर कर देंगे तो धन तीन हो जाएगा, ऋण छः ऋण इक्कीस को उधर पक्षांतर कर देंगे धन इक्कीस हो जाएगा, सात में तीन जोड़ दीजिए बच्चों, सात और तीन होता है दस, एक से इक्कीस में छः घटाइए, इक्कीस में छः घटाने से मिलेगा हमको पंद्रह, कितना मिलेगा पंद्रह, एक से बराबर हो जाएगा पंद्रह बटे दस, पाँच तिया पंद्रह, पाँच दूनी दस, पाँच तिया पंद्रह, पाँच दूनी दस, ये एक से का मान हमको मिल गया, कितना मिल गया बच्चों तीन बटे दो, कितना मिला तीन बटे दो। अब हम करेंगे उत्तर की जाँच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच के लिए प्रश्न को पुनः लिख लीजिए। एक ऋण तीन बटे एक से धन दो बराबर ऋण तीन बटे सात के बाएं पक्ष में, के बाएं पक्ष में एक का मान रखने पर, एक का मान हम रख देंगे, एक का मान कितना निकाले हैं तीन बटे दो, तीन बटे दो ऋण तीन बटे दो धन दो, दो तिया छः हो जाएगा बच्चों, तीन ऋण छः बटे दो पूरे का बटे दो दूनी चार हो जाएगा, तीन धन चार बटे दो, बटे दो बटे दो कट गया, ऊपर में बच गया छः में तीन घटाएंगे तो ऋण तीन, और नीचे में बचा तीन और चार सात। अब देख रहे होंगे बच्चों ऋण तीन बटे सात हमारे प्रश्न का दायां पक्ष था, अतः हमको दायां पक्ष मिल गया और हमारे उत्तर की जांच भी हो गई, अतः उत्तर की जांच सही है, उत्तर की जांच सही है। तो इस तरह से हमने उत्तर की जांच भी कर लिया है। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा बच्चों, शेयर करिएगा, और यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। Oh, 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 o